असलम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है परमिटिशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट इसमें सेवन पॉइंट थ्री यानी हमने करनी है इसमें दो टॉपिक्स हैं एक ये टॉपिक है परमिटिशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट और एक सर्कुलर परमिटिशन का टॉपिक है सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए ये बिटर की एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है इसको आप स्टडी कर लीजिएगा जितनी एग्जाम्पल्स ये जितने क्वेश्चन हमने करने हैं वो सारे एक जैसे ही हैं इसलिए सबसे पहले इसके फार्मूला को देखते हैं वो कैसे काम करेगा और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को देखते हैं इसमें हमारे पास है इफ़ देर आर एन वन अलाइक थिंग्स ऑफ़ वन काइंड एंड टू अलाइक थिंग्स ऑफ सेकेंड काइंड एंड एन थ्री अलाइक थिंग्स ऑफ थर्ड काइंड अलाइक मीनस के एक जैसी उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एन वन एक जैसी चीज़ें हों एन वन का मतलब है कि कोई कोई भी नंबर हो सकता है फाइव सिक्स सेवन इसी तरह से कुछ भी एन वन एक जैसी चीज़ें हों फिर दूसरी तरह की चीज़ें हों एन टू यानी कि लेट से पाँच एक जैसी चीज़ें हैं छः एक जैसी चीज़ें हैं दो जैसी चीज़ें हैं तो तीन तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमारे पास हो गई देन द नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एन थिंग्स तो टोटल जो थिंग्स थी हमारे पास टोटल जो चीज़ें हैं उन सब की कितनी परम्यूटेशन पॉसिबल हो सकती हैं टेकन ऑल एट अ टाइम सबको एक ही वक्त में अगर लिया जाए इज़ गिवन बाय किस तरी तरीके से फार्मूला आएगा एन फेक्टोरियल यानी कि टोटल नंबर जो है वो हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय एन वन फेक्टोरियल जो एक जैसी एक टाइप की चीज़ें थी वो फिर मल्टीप्लाई बाय एन टू फैक्टोरियल जो दूसरी टाइप की एक जैसी चीज़ें थी वो फिर मल्टीप्लाई बाय एन थ्री फैक्टोरियल जो तीसरी टाइप की एक जैसी चीज़ें थी वो उन तीनों को डिवाइड में मल्टीप्लाई कर लिया इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एन और एन वन कॉमा एन टू कॉमा एन थ्री इस तरीके से लिखेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा फार्मूला तो टोटल एन वन ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर में और जो डिफ़रेंट टाइप्स थी वो जो हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी ठीक है अब यहाँ पे ये एग्जांपल देखें ये आपको जस्ट ये फार्मूले के बिल्कुल साथ दी हुई है तो इसलिए ज़रा इसको देख रहे हैं वैसे ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है उन्होंने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसपी बी अरेंज्ड व्हेन ऑल लेटर्स आर टू बी यूज्ड सारे लेटर्स एक ही वक्त में यूज़ करने हैं कितने तरीक़ों से हम इस वर्ड के लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं अब देखिए इसमें क्या हो रहा है इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की एक जैसी चीज़ें हैं डिफरेंट टाइप की एक जैसी चीज़ों का मतलब क्या है ये जो हमने कोरोलरी देखी है इसका मतलब क्या है उन्होंने कहा है कि जी टोटल नंबर हमारे पास इलेवन है इसमें से सभी वर्ड के अगर लेटर्स को काउंट किया जाए तो टोटल इलेवन लेटर्स बनते हैं अब आई रिपीटेड फोर टाइम्स यहाँ से आपको ये बात समझ में आएगी कि एन वन अलाइक थिंग्स एन टू अलाइक थिंग्स एंड एन थ्री अलाइक थिंग्स का क्या मतलब है एन वन एक जैसी चीज़ें एन टू एक जैसी चीज़ें एन थ्री एक जैसी चीज़ें और इससे ज़्यादा भी हो सकता है यानी आई रिपीटेड फोर टाइम्स आप इसको समझ लें कि आई को एन वन बोल दिया हमने एन वन एक जैसी चीज़ें हैं जो कि चार हैं फिर एस अगर एन टू बोला जाए एन टू एक जैसी चीज़ें हैं जो कि चार हैं फिर पी को अगर एन थ्री बोला जाए एन थ्री एक जैसी चीज़ें हैं जो कि दो हैं और एम को अगर एन फोर बोला जाए तो एन फोर एक जैसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ एक दफ़ा अपीयर हो रही हैं ये मतलब हुआ इस चीज़ का तो फार्मूले में जब हमने इस तरीके से देखना है तो हमने देखना है कि कौन सी एक जैसी चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हुई है आई इज़ रिपीटेड फोर टाइम्स एस इज़ रिपीटेड फ़ोर टाइम्स पी इज़ रिपीट टू टाइम्स एन एम कम कम्स ओनली वंस तो बिल्कुल इस इसको देखें और इस फार्मूले पर अप्लाई कर दें टोटल नंबर ऊपर आ गया और जितनी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें थी फोर टाइम्स की एन वन थी फोर टाइम्स की एन टू थी two times, टाइम्स के टू टाइम्स एन थ्री थी और वन टाइम जो था वो सिर्फ एन फोर था तो जितनी टाइप्स की हमारे पास थी वो सारे डिनोमिनेटर में आ जाती हैं और उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और बस इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर लिख लें इस तरीके से इसने अप्लाई होना है पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम सर्कुलर परमिटिशन पर आएंगे इससे रिलेटेड हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में सेवन पॉइंट थ्री में क्वेश्चन जो शामिल हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड और थर्ड पार्ट देन क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर ये स्मार्ट सिलेबस में इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और सर्कुलर से रिलेटेड जो हैं वो लास्ट टू क्वेश्चंस और एक एग्जांपल है uh, दो पार्ट्स है एक मैं करवाऊंगी एक आप खुद करेंगे मैथेमेटिक्स वाला पार्ट देखें इसको मैं करवाती हूँ एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट है अच्छा स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है हमसे देखें स्टेटमेंट में हमसे कहा जा रहा है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड ये जो वर्ड दिया गया है इसके लेटर्स को कितने तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है मतलब शफलिंग करके आगे पीछे करके आगे पीछे एम कहीं रख लें टी कहीं रख लें आई कहीं रख लें एस कहीं रख लें सी कहीं रख लें इस तरीके से मतलब इन सारे लेटर्स को लें और उनकी जितनी शफलिंग हो सकती है वो पॉसिबल पॉसिबल हो सकती है वो करें कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जबकि सारे एक ही वक्त में लेने हैं ये नहीं है कि कुछ उठा लेने हैं सारे के सारे लेटर्स एक ही वक्त में लेने हैं टेकन ऑल टुगेदर ठीक है तो ये बिल्कुल उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा देखें अब हमने सबसे पहले लिख, लिख लेना है कि हमारे पास वर्ड क्या है मैथमेटिक्स ठीक है इस वर्ड में जो लेटर्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स कितनी पॉसिबल हैं ठीक है सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल लेटर्स हमारे पास हैं कितने टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन। टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स इलेवन है ठीक है अब आप देखें अच्छा अब आप देख लें एक तरह के जो हैं वो कितने हैं एम कितने हैं ए कितने हैं तो एम जो है वो वन और टू एम रिपीटेड टू टाइम्स उसके बाद ए ए भी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है देन टी टी भी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है एच कम्स ओनली वंस E comes only once. देन अगेन A आ गया जो हम count कर चुके हैं M आ गया A आ गया T आ गया I, I को भी नहीं count किया C को भी नहीं count किया S को भी नहीं count किया ठीक है तो ये भी एक एक दफा ही अपीयर हो रहे हैं I comes only once, C comes only once. एस कम्स ओनली वंस ठीक है अच्छा तो टोटल अब हमारा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा इलेवन अच्छा उसके बाद अब देखिए कितनी कितनी दफा चीज़ें आ रही थी एम टू टाइम्स था टू आ गया कॉमा ए टू टाइम्स था टू आ गया टू टाइम्स था एच वन टाइम ई वन टाइम आई वन टाइम सी वन टाइम टू इलेवन फिकल डिवाइडेड बाई टू फिकटोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फिकटोरियल मल्टीप्लाई बाय वन फिकटोरियल मल्टीप्लाई बाय वन फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन विक्टोरियल एंड देन मल्टीप्लाई बाय वन फिक्टोरियल ठीक है ये हमारा फार्मूला कम्प्लीट हुआ अब इसको आप कैलकुलेट uh, कर लें जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा और टू का फैक्टोरियल टू ही ओपन होगा ये भी टू ये भी टू टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर फोर मल्टीप्लाई बाई टू एट और वन के साथ सारे मल्टीप्लाई होंगे तो यही आंसर आ जाएगा ठीक है अच्छा जी ये आपके पास तीन करोड़ निन्यानवे लाख सोलह हजार आठ सौ आपके पास ये वैल्यू आई है एट पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्टी नाइन लैख एटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो ये आपका आंसर अच्छा है यानी कि आप वर्ड मैथमेटिक्स को अगर लेंगे और इसके लेटर्स की अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे तो आपके पास फोर्टी नाइन लैक एटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वेज़ होंगे कि आप डिफरेंट लेटर्स बना सकते हैं ठीक है अच्छा अब जो इसका सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर वन का वो भी इसी तरीके से होगा टोटल आपने ले लेने हैं फिर पी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है ए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है के आई एस इसी तरह से एन इनको देख लेना है और इसी तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है नेक्स्ट है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटैक्ट कैन बी मेड इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद सी एंड एंड विद के अब देखें बात तो वही थी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वन वाली लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लग गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा वो हमने देखना है हमने सारी की सारी अरेंजमेंट्स नहीं लेनी सिर्फ वो अरेंजमेंट्स देखनी हैं जिनमें हर नंबर सॉरी हर वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा हो और के पे एंड हो रहा हो बस वो वाली अरेंजमेंट्स हमने चेक करनी है बस सी से स्टार्ट के पे एंड और बाकी के जो वर्ड्स बाकी के जो लेटर्स हैं वो अंदर ही आपस में शफ़ल हो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है बस वो देखनी है टोटल नहीं देखनी ठीक है ओब्वियसली टोटल बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन सी बस से स्टार्ट होकर के K से के पे एंड हो के जो है वो कम रह जाएंगी तो हम वो देखते हैं अच्छा अब इसको कैसे देखना है इसको ऐसे देखना है कि हमने सी और के को फिक्स कर लेना है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री है सबसे पहले हम देख लेते हैं ए डबल टी ए सी के ई डी अटैक्ट अच्छा सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सी और के को फिक्स कर लें सी से स्टार्ट होना चाहिए और के पे एंड होना चाहिए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल थे जब दो फिक्स हो चुके हैं तो अंदर सिक्स रह जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब देखें ये दोनों फ़िक्स हो चुके हैं इन इनका कुछ भी नहीं हमने करना ये फ़िक्स हैं ये आगे पीछे हो ही नहीं सकते हैं हमें पॉसिबिलिटीज है सिर्फ वो वाली चाहिए जिनमें ये इस तरीके से आ रहे हों तो शफलिंग कितनी करनी है अब हमने अब हमने अरेंजमेंट्स इन अंदर वाले सिक्स की करनी है ठीक है तो हमने इसी के लिहाज से फार्मूला अरेंज करना है फॉर्मूला मैनेज करना है ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स सिक्स अच्छा अब उस सिक्स में से ये दोनों जा चुके हैं बाकी के हमने देखना है कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं ठीक है ए रिपीटेड टू टाइम्स T repeated two times. E comes only once, D comes only once. ठीक हो गया अब आप इसके लिहाज से फॉर्मूला लिख लें हाँ जी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स सिक्स थे सिक्स ए रिपीटेड टू टाइम्स टी रिपीटेड टू टाइम्स ई कम्स ऑनली वंस डी कम्स ऑनली वंस ये हमारा फार्मूला है इसको ओपन कर लें टू फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन फिक्टोरियल ठीक है सिक्स का फिकटोरियल जब आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से तो वो आपको सेवन ट्वेंटी मिलेगा और नीचे टू का फैक्टोरियल टू ही होगा टू का फैक्टोरियल टू वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू टू हज़ार फोर आ जाएगा सेवन ट्वेंटी को जब आप फोर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वन एटी आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन वैसा ही था लेकिन बस आपने करना क्या था आपने ये नहीं करना कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स एट हैं तो आपने एट रख लेने हैं ये नहीं करना आपने ये देखना है कि आपने शफ़ल कौन से वाले करने हैं जो फ़िक्स हो गए वो तो फ़िक्स हैं वो आगे पीछे हो ही नहीं सकते इसलिए उनको तो कुछ भी नहीं करना इसलिए उनको छोड़ के बाकी की जो आपने करनी है पॉसिबिलिटीज़ के अरेंज किस तरीके से हो सकते हैं कितने आगे पीछे हो सकते हैं कितना शफल हो सकते हैं आपने बस वो देखने हैं इसलिए वो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स होंगे वो नहीं होंगे जो दिए गए हैं ठीक है इसी वजह से उन्होंने ये कंडीशन लगाई थी ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जा सके अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए फोर भी इसी तरह से है फोर में क्या है हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन टेन लैख कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट जीरो टू 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 थ्री फोर फोर इन सात डिजिट्स को लेके आप दस लाख से बड़े नंबर्स कितने बना सकते हैं ठीक है अच्छा अब देखें इसको क्या करना है दस लाख है हमारे पास टेन लैक इसको लिख लिया और जो हमारे पास डिजिट्स हैं जिनको हम लेके नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं वो कौन कौन से दस लाख से बड़े बनाने हैं अब ये याद रखिएगा अब आप देखें ज़ीरो टू 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 थ्री फोर फोर सेवन डिजिट ये हैं और जो टेन लैक है वो भी सेवन डिजिट नंबर है ठीक है अब ये सेवन डिजिट्स हैं ये सेवन डिजिट नंबर है होगा क्या कि अगर आप इन सेवन डिजिट्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं इन जब जब इसकी सारी पॉसिबल पॉसिबल अरेंजमेंट्स लेनी है ना आपने तो उनमें से बहुत सी अरेंजमेंट्स इस तरह से आएंगी जब आप सारी लेंगे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स तो बहुत सी अरेंजमेंट्स इस तरह से आएंगी कि जीरो स्टार्ट में आ रहा होगा और बाकी के ये वाले नंबर आगे पीछे शफल हो रहे होंगे तो जब इस तरह से आएगा तो वो नंबर एक जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज़ में भी सेवन पॉइंट टू में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था कि अगर ज़ीरो को हम एक्सट्रीम लेफ़्ट पे रखते हैं तो वो नंबर आ, हमारा जितने भी टोटल डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट का नहीं माना जाता क्योंकि ज़ीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पे मीनिंगस होता है ये आपको पता है ये मीनिंगस होगा लेट से अगर हम इस तरह का नंबर बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं ज़ीरो थ्री टू टू फोर फोर टू ऐसा नंबर बना लिया तो ये क्या बन गया ये तीन लाख बाईस हज़ार चार सौ बयालीस बन गया ये तो दस लाख से कितना छोटा है वो दस लाख है ये तीन लाख से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये ज़ीरो जब भी एक स्ट्रीम लेफ़्ट आएगा ना तो वो नंबर सेवन डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं वो सिक्स डिजिट नंबर रहेगा देखें ये सिक्स डिजिट नंबर है सेवन डिजिट नंबर रहा ही नहीं है तो सेवन डिजिट नंबर सिर्फ तब ही बन सकता है अगर ज़ीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पे ना हो बाकी कहीं भी हो वो सेवन डिजिट नंबर बनेगा सेकंड पे हो थर्ड पे हो फोर्थ पे फिफ्थ पे सिक्स पे सेवन्थ पे जहाँ भी होगा वो सेवन डिजिट नंबर बनेगा और इनमें जो डिजिट्स हमें दिए गए हैं इनमें वन कहीं भी मौजूद नहीं है अगर वन होता फिर भी हमें ये देखना पड़ता कि कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर वन को एक्स्ट्रीम लेफ्ट पे या सेकंड लेफ्ट पे लिया जाए तो दस लाख से बड़ा नंबर बनता है या नहीं बनता फिर भी हमें देखना पड़ता है वहाँ यहाँ वन तो मौजूद ही नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी नंबर टू से स्टार्ट करें थ्री से स्टार्ट करें या फोर से स्टार्ट करें वो बनना ही टेन लैख से बड़ा है क्योंकि ये भी सेवन डिजिट नंबर है ये भी सेवन डिजिट्स हैं बात सिर्फ अंदर जीरो की थी जीरो का ये था कि उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं रखना अब हमने करना बेसिकली ये है कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ भी निकालनी है और जीरो को एक्सट्रीम लेफ्ट पे रख के भी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है तो जो ज़ीरो को एक्सट्रीम लेफ्ट पे रख के निकालेंगे ना वो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी का नंबर हमारे जितने भी बनेंगे वो टेन लैक से अबाउट बनेंगे टेन लैक से ग्रेटर होंगे ठीक है तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेते हैं उसके बाद हम जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पे रख के उसकी पॉसिबिलिटीज़ देख लेंगे अच्छा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं सेवन ठीक है टू रिपीट रिपीटेड थ्री टाइम्स थ्री कम्स ऑनली वंस फोर को लिख लेते हैं पहले फोर रिपीटेड टू टाइम्स थ्री कम्स ऑनली वंस जीरो कम्स ऑनली वंस ठीक है चलें जी अब हम फॉर्मूला मैनेज करते हैं तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा सेवन थ्री कामा टू कामा वन कामा वन ओपन कर लें इसको सेवन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन विक्टोरियल ठीक है सेवन का विक्टोरियल जब आप ओपन करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपको मिलेगा फाइव थाउजेंड एंड फोटी और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा थ्री का फैक्टोरियल ओपन करेंगे थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स आएगा और सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है और जब आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको आंसर मिल जाएगा फोर ट्वेंटी अच्छा ये हो गए टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हम इन सब को आपस में शफल करके निकाल सकते हैं इसमें वो अरेंजमेंट्स भी शामिल हैं जिनमें ज़ीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा

एट एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेट प्लेस तो जीरो को फिक्स कर लिया बाकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बाकी सिक्स डिजिट रह गए हैं उन्होंने आपस में शफल होना है तो नाउ टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज ठीक है और रिपीट कितने हो रहे हैं अब रिपीटेड में देखें जीरो को तो हमने देखना ही नहीं है जीरो तो फिक्स हो गया वो निकल गया जो शफल होने हैं उन्हीं की रिपीटिशन वगैरह चेक करनी है ना तो उनकी रिपीटिशन वगैरह में क्या है two, three times हो रहा है और तो इसको लिख लें आप टू रिपीटेड थ्री टाइम्स फोर रिपीटेड टू टाइम्स एंड थ्री कम्स ऑनली वंस तो ये हमारे पास हो जाएगा सिक्स थ्री कॉमा टू कॉमा वन फॉर्मूला ओपन करेंगे सिक्स फिक्टोरियल थ्री फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई टू फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय वन फिक्टोरियल तो सिक्स फिक्टोरियल का आपको आंसर मिलेगा सेवन ट्वेंटी थ्री फिक्टोरियल थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू ट्वेल्व सेवन ट्वेंटी को ट्वेल्व पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिक्सटी सिक्सटी वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें जीरो एक्सट्रीम लेफ़्ट आ सकता है जितनी भी हमने अरेंजमेंट्स करनी है उन सब में तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी में से सिक्स सिक्सटी uh, वो हैं जो हमें नहीं रिक्वायर्ड हैं तो इसलिए हम लिखेंगे सो so, the numbers that are greater than 10 lakh equals to uh, 420 minus 60 ये हमारे पास आ गया थ्री सिक्सटी तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो दोनों पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर उससे रिलेटेड थे लेकिन थोड़े दोड़ थोड़े ट्रिकी थे उनमें आपने अच्छी तरह से स्टेटमेंट को पहले समझना है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छा अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास आज का सर्कुलर परमिटेशन सर्कुलर परमिटेशन में देखें क्या चीज़ है पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं अच्छी तरह उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल है इन हाउ मेनी वेज वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं शामिल लेकिन इसको समझने के लिए हम देखते हैं इन हाउ मेनी वेज

इफ़ ई पर्सन मूवस वन और टू और मोर प्लेसिज टू द लेफ्ट और राइट अच्छा अगर हर पर्सन एक स्टेप आगे चला जाता है लेफ़्ट की तरफ आप कर लें अगर हर पर्सन लेफ्ट की तरफ एक स्टेप आगे चला जाता है ये ए इधर आ जाएगा तो ई e यहाँ तो डी यहाँ तो सी इधर तो बी इधर ठीक है और अगर टू टू स्टेप्स आगे जाएगा थ्री स्टेप्स आगे जाएगा जितने भी स्टेप्स आगे जाएगा तो होगा क्या दे विल नो डाउट भी ऑक्यूपाइंग डिफरेंट सीट्स ऑब्वियसली वो सारे डिफरेंट सीट्स ऑक्यूपाई करेंगे बट देयर पोजिशन रिलेटिव टू रिमेन द सेम लेकिन उनकी पोजिशन एक दूसरे के लिहाज से सेम ही होगी क्योंकि एक एक स्टेप आगे गए हैं ना एक एक स्टेप मूव किया है उन्होंने ये एक स्टेप इधर आ गया तो ये एक स्टेप आगे चला गया था तो ये एक स्टेप आगे तो सबकी सीट तो डिफरेंट हो गई है लेकिन एक दूसरे के लिहाज से वो सेम ही थे तो फिर क्या होगा सो वेन एक्ुपाइज अ सर्टन सीट ए के पास जब एक सर्टन सीट आ जाएगी द रिमेनिंग फोरस विल बी परम्यूटिंग देर सीट्स अमंगल्व्स इन फोर फैक्टोरियल वेज ए ने जब एक सीट ऑक्युपाई कर ली है तो अब बाकी चार पर्सन के पास कितने तरीके रह गए हैं उन सीट्स को ऑक्यूपाई करने के चार ही लोग हैं चार ही जगह हैं तो ये चार ही लोग और चार ही जगह ये चीज़ हम सेवन पॉइंट टू में देख चुके हैं जितना एन एन टोटल और आर बी एन जितना तो उसमें फिर वही नंबर फिक्टोरियल में आ जाता है सिंपली वो थ्री पी थ्री या फोर पी फोर हो जाता है ना तो अब चार ही जगह हैं चार ही पर्सन है ये फोर पी फोर होगा यानी फोर पी फोर मीन्स के फोर फैक्टोरियल ये फोर फेक्टोरियल वेज रह जाएंगे हेंस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी फोर फैक्टोरियल दैट इज़ ट्वेंटी फोर अच्छा अब ये जो एक्जाम्पल है ये आपके सिलेबस में शामिल है इसको देख लें फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं अच्छा बेसिकली बेसिकली बात यह है कि सर्कुलर परमिटेशन में हम दो चीज़ें देखते हैं एक चीज़ तो ये कि अगर हमने किसी सर्कल में किसी बेजान चीज़ को अगर हमने अरेंज करना है या किसी जानदार चीज़ को करना है मतलब जैसे कि फाइव पर्सन थे फाइव पर्सन से तो क्या होगा और अगर कोई बेजान चीज है जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ रहा है तो क्या होगा जब पर्सनज होते हैं तो उसमें ये होता है कि पर्सन ने डिफरेंट सीट्स ऑक्यूपाई करनी ही करनी है उसमें ये होता है कि हमारे पास देखा है हमने कि फ़ाइव पर्सन थे ना तो फोर फैक्टोरियल वेज थे अरेंज करने के एक ने एक सीट ऑक्यूपाई कर ली बाकियों के पास जो हैं वो एक कम आप कर लें फ़ाइव थे तो फ़ोर रह गए फोर होंगे तो थ्री रह जाएंगे यानी कि एक कम तो उसमें ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन जितने होते हैं लेट्स ए टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस है एन तो हमने करना क्या होता है एन माइनस वन का विक्टोरियल आ जाता है हमारे पास जो हमने अरेंजमेंट करनी होती है उसमें ये तब होता है जब हमने लिविंग थिंग्स को लेना है पर्सन को लेना है किसी भी और इस तरह की चीज़ को लेना है लेकिन जब हमने कोई बेजान चीज लेनी है उसमें क्या होता है बेजान चीज़ में ये होता है कि हमने आ, ये देखें इसमें पहले एग्जांपल को देखिए फिर देखते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अ नेकलेस ऑफ एट बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी मेड आठ बीड्स एंड डिफरेंट कलर्स के ठीक है तो so, एक नेकलेस उन आठ बीड्स के साथ कितने तरीक़ों से बनाया जा सकता है डिफरेंट कलर्स के हैं कोई रेड होगा कोई ब्लू होगा कोई ग्रीन होगा कोई येलो होगा तो कितने तरीक़ों से बनाया जा सकता है द नंबर ऑफ बीड्स इज एट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एट बीड्स इन नेकलेस विल बी लाइक सीटिंग ऑफ एट परसन एट अ राउंड टेबल द नंबर ऑफ सच नेकलेस इज फिक्सिंग वन बीड्स जैसा कि हमने इसमें एक को एक को एक सीट दे दी थी, थी ना तो बाकी चार लोग रह गए थे चार सीटें रह गई थी तो वो चार विक्टोरियल बन गया था सेम उसी तरीके से ये इस तरह से हमारे पास सेवन विक्टोरियल आ जाता है एट है तो सेवन विक्टोरियल जाता है नाउ सपोज द बीड्स आर ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड द नेकलेस इज शोन इन द फिगर इस तरीके से अब देखिए आप इसको यूं करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आप इसको क्लॉक वाइज लें या फिर आप इसको काउंटर क्लॉक वाइज लें ए बी सी डी ई एफ जी एच जब जब चीज़ बेजान होगी ना तो आप उसको फ़्लिप कर सकते हैं फ़्लिप करने से बीड्स तो वही रहने हैं और नेकलेस भी वही रहना है राउंड एक नेकलेस रहना है और बीड्स भी वही रहने हैं तो इसमें ये होता है कि बेजान चीज़ों में वो पर्सनस नहीं है जिनकी एक दूसरे के रिलेटिव भी हमने वो सीट देखनी है तो बाई फ्लिपिंग द नेकलेस वी गेट द नेकलेस एज़ शोन इन द फिगर टू ये नेकलेस पहले बनाया इसको फ्लिप कर दिया तो वो ये बन गया जो ये इस तरह से क्लॉक हम ले रहे थे ये काउंटर क्लॉक बन गया तो इसमें क्या होगा वही ऑब्जर्व दैट द टू अरेंजमेंट्स ऑफ बीड्स आर एक्चुअली द सेम तो फिर ये दो अरेंजमेंट्स सेम हो जाती हैं इसलिए जो आंसर आया होता है उसको हमें टू पे यहाँ पे डिवाइड करना होता है हेन्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ नेकलेसेज वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई सेवन विक्टोरियल तो ये है कि अगर पर्सनस होंगे तो वो हमारे पास जितने टोटल पर्सनस हैं उसमें से एक कम फैक्टोरियल के साथ आ जाएगा वो अरेंजमेंट होगी और अगर कोई बेजान चीज़ होगी कोई बी हैं कोई की को किसी रिंग में रखना है या कोई इस तरह की चीज़ है तो उसमें हमने क्या करना है उसमें क्योंकि उसको फ्लिप करने से वो सिमेट्री आ जाती है दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं और वो दोनों अरेंजमेंट्स सेम होती हैं इसलिए वहाँ पर उसको टू के साथ डिवाइड करना होता है ये बात आपने याद रखनी है जानदार होगा तो बस एन माइनस वन फेक्टोरियल बेजान होगा तो एन माइनस वन फिक्टटोरियल डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ पे हमारे पास जो दो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल हैं वो दोनों बेजान चीज से रिलेटेड है जो ये क्वेश्चन नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर एट है ये वैसे जानदार चीजों वाले थे ये पर्सन वाले थे ये वाले आपके यहां पे शामिल नहीं है इसलिए इनको छोड़ दें ये सिंपल है इन हाउ मेनी वेज कैन फोर कीज बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग कितने तरीकों से चार कीज को एक सर्कुलर की रिंग में आप जोड़ सकते हैं चार चाबियां हैं और आपने कितने तरीकों से उन चार चाबियों को जोड़ना है फोर है ना आपके पास तो आपने क्या करना है फैक्टोरियल डिवाइडेड टू लेना है इस फॉर्मूले से आपका क्या बनेगा फोर आपके पास टोटल नंबर है तो आपका थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू थ्री फैक्टोरियल आपका कितना हो जाता है सिक्स डिवाइडेड बाई टू तो यह आपका थ्री आंसर आ जाएगा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है हाउ मनी नेकललेस कैन बी मेड फ्राम सिक्स बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ये तो बिल्कुल वही है जो हम डिस्कस कर चुके है। six हैं सिक्स आए तो हमारे पास फाइव फिक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा तो इसको कैलकुलेट कर लें जो 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 भी इसका आंसर होगा तो ये आपकी सेवन पॉइंट रही थी ये कम्प्लीट हो चुकी है नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन का टॉपिक देखेंगे